हाय दोस्तों, अभी जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 BHK का फ्लैट है और प्रोजेक्ट का नाम है रोमेल दीवा। ये रोमेल ग्रुप डेवलपर हैं, इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, जोगेश्वरी, मुलुंड। तो आज इसी रोमेल ग्रुप का रोमेल दीवा की मैं बात करूँगा इस पूरे प्रोजेक्ट में। आइए मैं दिखाता हूँ इसका फ्लैट कैसा है। इसमें सिर्फ 3 BHK है, 102 का इनका सेल हो चुका है, 23 माले का टावर है, लोकेशन इसका मलाड वेस्ट में, लिंक रोड टच है, ये इन्फिनिटी मॉल से हार्डली 4 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आइए पहले फ्लैट देखते हैं किस टाइप का है। 3 BHK का प्रॉपर्टी है और 950+950 square feet के आसपास कारपेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको लिविंग एरिया पूरा मैं दिखा रहा हूँ। नीचे छज्जा दिया हुआ है काफ़ी बढ़िया, इसको आप बाद में आप कवर भी कर सकते हैं अगर सोसाइटी परमिशन देती है। यहाँ से व्यू आपको बहुत खूबसूरत मिलता है, डायरेक्टली आपको हिल व्यू मिलता है और सिटी व्यू मिलता है। यहाँ से कोई ब्लॉकेज नहीं है। सामने आप देखें 7 माले की बिल्डिंग है, अगर आप हायर फ्लोर पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको व्यू हमेशा सनराइज़ का मिलता है। यहाँ से अब मैं आपको विंडो के साइड से हॉल का डाइनिंग एरिया, आप देखें एल शेप में आपको ये हॉल मिल रहा है। यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया अपना डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट बिल्डर का जो प्लानिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसका पैसेज देखते हैं। जब आप लिविंग डाइनिंग से अंदर आते हैं तो पहला राइट हैंड साइड पर आपको इसका कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम, फर्स्ट वॉश बेसिन, कमोड और लास्ट में आपको बाथ एरिया मिल रहा है। तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। और इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे किचन मिलता है। किचन का प्लानिंग देखें तो सेम उसी तरह से किया हुआ है। एंट्री जब आप करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, अपर कैबिनेट्स, ये सब जो आप फ्लैट में देख रहे हैं ये सब आपको मिलने वाला है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, ये एक्चुअल फ्लैट है जो आपको डिलीवर होगा। यहाँ से भी आप देखें तो बाहर छज्जा बहुत खूबसूरत आपको मिल जाता है और बाहर से ओपन व्यू आपको मिल जाता है। एंड में जब आप अंदर देखें तो कॉर्नर में आपको यहाँ पर वॉशिंग मशीन का स्पेस मिल जाता है। अभी आगे देखते हैं कि तीनों बेडरूम का कैसा डिज़ाइन किया हुआ है। और अभी ये पैसेज, फ्लोर हाइट, ये सब आप देख लें। अब आगे पहला तो मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये पहला कॉमन बेडरूम है। 3 BHK का कॉन्सेप्ट में जनरली इसी तरह रहता है कि बहुत सारे जो लग्जरियस सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको 3 BHK में तीनों मास्टर बेडरूम होता है, बट नॉर्मल 3 BHK में एक कॉमन बेडरूम, 2 मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम इन द सेंस अटैच्ड वॉशरूम रहता है। इसमें भी आपको छज्जा काफ़ी बढ़िया मिल रहा है जहाँ पे आप AC का आउटडोर रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ घर का एक्स्ट्रा सामान हो जो आप बाहर रख सकते हैं तो वो सब सामान रख सकते हैं। विंडो के साइड से आप बेडरूम का पूरा हाइट, फ्लोर देख लें तो आपको साइज समझ में आ जाएगा कि क्या साइज है बेडरूम का। इसमें आपको 3x2x2 या 2.5x2 का टाइल्स लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये पैसेज का हाइट भी देख लो। उसके बाद मैं आपको पहला सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे मास्टर बेडरूम में तो पहला राइट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम का सेम डिज़ाइन किया हुआ है बाहर का। आगे आप ये बेडरूम का साइज़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक्चुअली कैमरे में तो आपको पता शायद पूरा नहीं चले कि कितना बड़ा साइज है ये, लेकिन एक्चुअल आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा एक बार आप साइट पे आएँ प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। और यहाँ से भी व्यू आपको काफ़ी बढ़िया खूबसूरत व्यू मिल रहा है। और यहाँ पे भी छज्जा देखें तो करीबन 3 से 4 फुट का तो इसका छज्जा मिलता है आपको, जो आउटडोर वगैरह रखना हो फिर बाद में इसको कवर करके आप हाइट भी ले सकते हैं। अगर सोसाइटी में, वैसे तो कोई इसको छोड़ने वाला नहीं है, सारे सोसाइटी में जो क्रू मेंबर रहेंगे वही इनका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बिल्डर ने दिया ही इतना ब्यूटीफुल तरीके से। अब विंडो के साइड से आपको स्ट्रेट पूरा बेडरूम का साइज आप देख के समझ सकते हैं कैमरे के व्यू से कि क्या साइज होगा इसका। सीलिंग का फिनिशिंग सेम आपका रहने वाला है, जैसा आपको ये डिलीवर करेंगे वही सेम फ्लैट आपको इन्होंने दिया है। स्टार्ट से आप अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू देखें तो आपको पता चलेगा कि 950 square feet के आसपास कारपेट है। यह आप अंदर से जब आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे
जो स्पेस आपको लिविंग के लिए मिल रहा है वो आप देख लें। उसके बाद मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ। पैसेज में दो हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, सिंडलर कंपनी का बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिफ्ट डिज़ाइन करते हैं ये। और एक फ्लोर पे चार फ्लैट है और स्टेयरकेस एक दिया हुआ है। ये जो न्यू ओसी के कंडीशन के हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है फ्लैट का। ये तो मैंने 3 BHK स्टेयरकेस लिफ्ट वगैरह सब कुछ आपको दिखा दिया। ये इसका रिफ्यूजी एरिया है, जो इस फ्लोर पे अगर आप 3 BHK लेते हैं तो ये रिफ्यूजी एरिया आपको प्लांटिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये आप यूज़ कर सकते हैं सोसाइटी के एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे कुछ साइकिल वगैरह रखना हो या कुछ एक्स्ट्रा सामान रखना हो तो वो आप कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया। प्राइजिंग, साइजिंग, प्राइजिंग क्या है इसका, साइजिंग क्या है, कॉन्फ़िगरेशन और बाकी डिटेल तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरा नंबर भी रहेगा, और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं ख़रीदने के लिए तो आप हमें फ़ोन करें, मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें दोस्तों। आगे आपको एंट्रेंस लॉबी वगैरह दिखाता हूँ।